अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से हैं। आज सुबह माशाल्लाह बहुत ही ठंडी और बहुत ही औसम किस्म की, क्योंकि आज जो है ना सूरज नहीं निकला हुआ माशाल्लाह से, और ठंडी हवा भी चल रही है। इसके साथ साथ दिखाते हैं आपको किस तरह का मौसम चल रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पर सुबह हफ्स और गर्मी होती थी, आज ऐसा नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेशक ऊपर वाला जो है ना रहम और करम फरमाने वाला है। ये गर्मियों के मौसम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें ऐसा मौसम बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की बारिश बनी हुई है यहाँ पर। और ये हमारे ससुर साहब की दुकान है, और यहाँ पर चेक करें, हरियाली चेक करें, और उसके साथ मौसम चेक करें, सूरज बिल्कुल ढका हुआ है माशाल्लाह से। बहुत ही उम्दा किस्म की आज लग रहा है कि बारिश शायद हो सकती है, लेकिन ये जो आंधी के बगैर जो बारिश होती है, ये बहुत ही ठंडी और बहुत ही बेहतरीन किस्म की होती है। और हवा भी थोड़ी ठंडक महसूस कर रहा हूँ मैं, ये गर्मी के मौसम में बहुत ही कम होता है माशाल्लाह से। तो आज का दिन जो है बर्दाश्तेबल है कह सकते हैं। बाकी की अपडेट आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए। आज मौसम बहुत अच्छा था, मैंने सवेरे सवेरे सोचा है कहीं चल के बैठते हैं रोड की तरफ, क्या बोलते हैं वैसे जी। चले, गर्मी भी नहीं है, बारिश भी बनी हुई माशाल्लाह से। आज बारिश आएगा, क्या मज़ा आ जाएगा। आ गई तो फिर तो ठंडक हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। फिर चलते हैं, अभी थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा गपशप मंगाते हैं और लंच वगैरह कुछ लेते हैं, फिर आते हैं, क्या बोलते हैं जी। चले चल रहे हैं हम एक जगह। आने के बाद पता चला कि पंप बंद था, एक बंदे दो बंदे खड़े हुए थे, बेचारों का पेट्रोल ख़त्म था। तो हमने सोचा है कि एहतियातन पंप जाते हैं जो आगे खुले में, वहाँ से पेट्रोल लेके खरीदते हैं, ताकि कल प्रैक्टिकल हो तो, और पेट्रोल हमारे पास ना हो, ऐसा मसला ना बने हमारे साथ। अभी जाते हैं पंप से, दूसरे से पेट्रोल लेते हैं, क्योंकि अभी प्राइस अप डाउन होने का खदशा है। और जब ये होता है तो पेट्रोल की प्राइस अप होती है या डाउन होती है, तो यहाँ वाले पंप वाले माफिया जो हैं वो अपने पंप बंद करके सारा अपने एसी वाला रूम ऑन करके बैठ जाते हैं, तमाशा देखते हैं। ये चोर बाजारी कभी ख़त्म नहीं होगी। चले, इनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे, कभी ना कभी तो इनको पकड़ेंगे हुकूमत वाले। खैर, अभी जहाँ से पेट्रोल मिले वहाँ से पेट्रोल लेते हैं और रख लेते हैं, ताकि फैमिली मसले मसाइल ना बने। पंप आ चुके हैं हम करीबी, और यहाँ से पेट्रोल लेते हैं, अभी कुछ बोतल में लेते हैं, कुछ अंदर डलवाते हैं, और फिर चलते हैं अपने पॉइंट पे, और फिर चलते हैं जहाँ बैठे थे वहाँ जाके बैठते हैं, थोड़ा गपशप लगाते हैं, मौसम का एंजॉय करते हैं, मूड बना तो समोसे पकौड़े भी खाएंगे। अभी हम जा रहे हैं चाचू के घर, और बड़े चाचू की आज भी शिकायत थी कि भाई कल नहीं आए थे और परसों नहीं आए थे। तो परसों तो मैं गया था, कल नहीं गया था, तो चाचू भूले हुए थे शायद, उनको याद दिलाए परसों आया। उन्होंने चलो भैया आया करो हमारे घर पे, चक्कर लगाया करो। तो अभी जा रहे हैं चाचू के घर, बड़े चाचू के घर चक्कर लगाने। अली बाकी अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के उनकी तबीयत बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। आज उसने कपड़े धोए, मना कर रहा था भाई कल प्रैक्टिकल है, नहीं करो नहीं करो ना, मैं धोने थे, ठीक होती फ़ौरन काम को लग गई। तो अभी चले, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, बेहतर है कि थोड़ा सा यही काफ़ी मिल गई कि वो तबीयत ठीक हो चुकी है। अभी जा रहे चाचू के घर, ये सामने मेरे बड़े चाचू का घर है माशाल्लाह से, यहाँ से लेकर वहाँ तक है बेहतरीन किस्म का सामने ही घर है। देखते हैं कौसर भी है, तुमसे भी मिल लेते हैं आज, और अगर हो सका तो मैं आपकी भी मुलाकात कराता हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम बड़े चाचू के घर, और तकरीबन घर के करीब पहुँच चुके हैं हम, कदम देख रहे हैं ऊपर से, मिलते हैं उनसे। तो भाई एक और मुसीबत आ पड़ी है चाचे घर आते ही, आपको सामने दरख्त मिट्टी में नज़र आ रहे हैं, ये आंधी तूफान आ गया मिट्टी से भरा हुआ, और ये देखें हवा से, ये आपको दिखाते हैं लाइव। ये देखो मिट्टी करीब आ जा रही, मेरे बहुत करीब आ रही मिट्टी, ये आपको दिख रहा होगा दूर, लेकिन ये बहुत 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये मिट्टी आ गई। देखें ये आंधी शुरू हुई, बारिश तो नहीं हुई लेकिन आंधी बहुत तेज़ आ गई। ये देखें ये मिट्टी आ गई, दरख्त आहिस्ता आहिस्ता छुपते जा रहे हैं। तो ये हाल होता है रोजाना रात में शाम में, और ये देखें ये लोहे तक खिल रहे हैं यहाँ पर, ये देखें मिट्टी चेक करें। ये पंजाब में रोज़ आंधी तूफान मिट्टी का टेला, ये देखें अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मिट्टी आ चुकी है ऑलरेडी, और क्रॉस होगी मुझसे, ये देखें ये आंधी होती डेली। ये पंजाब में फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी है, वरना गर्म होती है बहुत, मुंह जला देती है। चेक करें आप, ये मिट्टी मेरे यहाँ भर चुकी है इसमें, ये बड़ा नुकसानदह होता है भाई, इसमें बिजली का नुकसान और तारों का नुकसान, दरख्त भी गिर सकते हैं, काफ़ी दरख्त भी गिरे हैं। आप चेक करें मिट्टी, और सूरज भी छुप गया है, वल्ला ही खैर करें। ये शाम में ही तो पता नहीं
रात तक चलेगी या तो बारिश भी तेज़ हो जाए होने का खच्चा है। वैसे देखते हैं क्या बनता है। खैर जी, काफ़ी मिट्टी है और मैं भी मिट्टी में खड़ा हूँ। काफ़ी तेज़ मिट्टी है जो कि मेरे चश्मा बार साफ कर रहा हूँ। ये डेली का हाल है, अक्सर रात में आती है, कल रात एक छोड़ के हर रात को ये आंधी आती है। मिट्टी से भरी हुई होती है, काफ़ी सांस लेना दुश्वार होता है। लोग काफ़ी हम तो मास्क यूज़ कर लेते हैं, बाकी यहाँ के लोग जो है ना मास्क वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और गले में भी लग रही है काफ़ी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आपको दिखाते हैं किस तरह की हवा चल रही है। ये देखें, सब दरख्त देखें धुंधले हो चुके हैं, ये सारी मिट्टी और उड़ रही है और हवा तेज़ चल रही है। तो जी, हमने तो अपना इलाज कर लिया है। आंधी में घूमने फिरने का इलाज ये है कि अपने नाक में मुंह पे रुमाल बांध दो, और हमने अपना इलाज ढूंढ लिया है। तो ये मिट्टी अब कुछ नहीं कर सकती, भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मास्क पहन चुके हम। ये मेरा आर्टिफिशियल एक मास्क है, बहुत ही बेहतरीन कारामद है ये। कभी भी ऐसी धूल मिट्टी उड़े आप मास्क पहन लो, बहुत अच्छा और बेहतरीन मास्क। इसे मुँह भी बच जाएगा और सांस लेने में मसला नहीं होगा। डबल करके ना आप चढ़ा दो इसको। अब आपको दिखाते हैं आंधी किस किस्म की चल रही है, बाहर दिखाते हैं। दरख्त चेक करें, बहुत तेज़ हवा चल रही है और सामने देखें बहुत मिट्टी उड़ रही है, धुंधला धुंधला हो गया सब कुछ। और ये तकरीबन दूर थी नज़र आ गई थी कि अब जो है ना मौसम आंधी वाला हो गया और आंधी हवा तेज़ चलने वाली है। कुत्ता बहुत इंजॉय कर रहा है चाचू वालों का। अभी छूटा है, खैर अल्लाह ही खैर करे, पीछे नुकसान ना हो कोई यहाँ का। चलते भी घर, लिशमा भी घर पे होगी, वेट करेगी, परेशान होगी कि मैं इस टाइम कहाँ चला गया, क्योंकि वो गई थी अपने पापा के घर और मैं पीछे से आ गया यहाँ पर। तो जी, गरज बरस के साथ बारिश की बूंदें भी गिरना शुरू हो गई है। तो अब बारिश भी शुरू हो गई है तेज़, और मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं और सब बुला रहे हैं आ जाओ भाई आ जाओ। माशाल्लाह से आज ठंडी ठंडी हवाएं गिर रही हैं, बूंदें गिर रही हैं और लाइट भी नहीं है। और ये हो गई बारिश तेज़, और मेरा इससे पहले मोबाइल ख़राब हो जाए हम भागते हैं घर। देखिए सब बच्चे भाग गए, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। क्योंकि नहा रहा है नहीं नहा रहा, बहुत ठंडी बारिश बीमार हो सकता है। हम चलते हैं उस दरख्त के नीचे, थोड़ा छुपते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हाँ नीला भाई, इतना बड़ा बड़ा, इतना कितना बड़ा बड़ा, इतना हैं, हमने फिर कुछ कुछ उठा लिया था। हाँ कुछ नहीं उठा था। अब ये मुर्गी बाहर आ गई किसी की, इसे पकड़ के बलि डाल दे देते। बलि डाल क्या करते हैं, बलि डाल दे देते खा जाएंगे फिर। चलो माशाल्लाह से पहली बार मैंने इतनी तेज़ बारिश देखी, इससे पहले जो हुई थी शायद रात में होती थी, मैं सोया होता था। हाँ या तो हम अंदर होते थे देख नहीं सकते, दिन में थोड़ी सी शाम में हो ना मज़ा भी आता देखने का। और ठंडी ठंडी बारिश, आज रात ठंडी होगी, कल रात ठंडी होगी। हाँ तो मज़े हैं भाई मज़े, एसी की तरह ठंडक तो आ रही है अभी, मज़े हैं भाई माशाल्लाह। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये फसलों के लिए अभी फ़ायदेमंद है ना बहुत माशाल्लाह। देखो सूखी फसलों को भी पानी मिल गया, तुम्हारी जंतर के लिए भी। हाँ मुझे घास उगाया, अच्छा भाई घास ही बोल रहे हैं। चले भाई माशाल्लाह नहा के आ गए बारिश में। आज भाई बहुत तूफानी बारिश हुई थी, सारा पानी देखें वो भर गया था। वो आपकी वहाँ से नाली खोली हमने ताकि पानी बाहर निकले, बहुत पानी था, वो जगह बैठ गया आपकी और बाहर जो है ना ज़मीनें भर गई पानी से। और बराबर लग गया तो थोड़ी सी सड़क है ना घर से बाहर निकल रास्ते, वो भी बह गया पानी में। चले बाहर देखते हैं, बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत जगह बह गई नहीं। आप तो नहाने गए थे, नहाने गए थे, यहाँ पर देखे ये क्या हो गया, बहुत सारा पानी देखे, सड़क गिर गया उनके सामने वाले को, पानी से जमीन भर गई, इनको सर्दी लगी हुई है जानवरों को। पानी जैसी गर्म हो जाएगा इनको अंदर करते हैं गर्म जगह पे। आपको सर्दी नहीं लगी हुई? सारे बच्चे ने देखा मुझे पे, इसको नाच नाच के ऊपर गया, नाली खोल गया, देखो छत पे पानी जमा रहा था, ये नाली खोला मुझे मिलने अंदर, बड़े काम के मुझे मिलने। ऊपर तो बहुत ज्यादा बादल बने हुए हैं, पता नहीं मेरे ख्याल में आगे आधी बची हुई बारिश शायद रात को हो सकती है। हाँ अभी होगी, और सोहेल ने नाला खोला सारा कमरे नीचे से पानी, अब बारिश कम नहीं होगी, नहीं होगी अभी ज्यादा ही होगी। कल प्रैक्टिकल क्या होगा भाई, फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ। अल्लाह का नाम लेके शॉपर फैन के पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, क्या बोलते हैं। हाँ पहुँच जाएंगे आराम से। ओके अब चले अंदर, आपको सर्दी लग जाएगी। तो भाई बहुत तेज़ बारिश हुई,
और बहुत ही ठंडी हवाएं चलने लगी, क्या करें। लेकिन ये कि थोड़ा और नहाते लेकिन ठंड लगने लगी, ऐसे लग रहा था कि अभी बस तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब बस सोने का टाइम हो गया तो हम वापस आ गए, कपड़े वपड़े चेंज किए। तो बस भाई यही कहना मकसद ये था कि एक दो कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि अरिशवा की तबीयत ख़राब हुई थी दो दिन से, और उसकी ब्लड प्रेशर का हुआ था और थोड़ा सा बुखार हुआ था, सर में दर्द ज़्यादा था। तो लोगों ने भाई माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है, इस तरह करे उस तरह करे, अरे भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है अरिशवा, ऐसा है कुछ सिर्फ बुखार था। बस ये क्लियर करना था। और दूसरी बात यह है कि भाई जब होगा ये गुड न्यूज़ बिल्कुल सबके साथ शेयर करेंगे। अभी तो यार पेपर्स हैं, हम इन चीज़ों में फंसे हैं, पंजाब में पेपर्स में इन मसले मसाइल में, ये जैसे हम फारे होंगे ना उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको भाई। सबसे पहले हमारी फैमिली को बताएंगे, यूट्यूब फैमिली को, और अपने दूसरी जो मेरे घर में कराची में फैमिली और ये वाली फैमिलीज़ को भी बताते हैं लोग बंदा। तो बिल्कुल ज़रूर शेयर करेंगे ये खुशखबरी आपके साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल्स हैं। और इस बार को मैं बिल्कुल इस टेंशन में नहीं देना चाहता, फ्री फ्रेश फ्री होके बिल्कुल आराम से ये खुशखबरी देंगे आपको। हम बहुत सारी टेंशन ले हो, बहुत सारी मजाक कर रहे हो लेकिन इक्का दिक्का तो देंगे ना यार। खैर बस अपनी दुआ में याद रखिए, ख्याल रखिए, इस तरह हंसते बसते रहें। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं हमको आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।